भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से 6 अक्टूबर को नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। इस दिन होने वाली विशाल रैली में लाखों की संख्या में इनके समर्थक विभिन्न राज्यों से नागपुर पहुंचेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 13 मुद्दे लिए गए हैं, मगर जो सबसे अहम मुद्दा है कि 6 अक्टूबर 2022 को महाराष्ट्र का नागपुर में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का संयुक्त महारैली का आयोजन किया गया है। 6 अक्टूबर 2022 को महाराष्ट्र का नागपुर में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा का संयुक्त महारैली का आयोजन किया गया है। ये रैली का मेन उद्देश्य है देश और संविधान और संविधान में जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ये महारैली का आयोजन किया गया है। और रैली के बाद में लाखों लोगों की मोर्चा लेकर के हम लोग आरएसएस का जो हेडक्वार्टर नागपुर में है, उस नागपुर के हेडक्वार्टर पर हम लोग लाखों की मोर्चा लेके जाने वाले। ये हमारा 6 तारीख का महारैली का ये हमारा उद्देश्य है। 13 मुद्दे कौन-कौन से, जिसको लेकर मुख्य मुद्दा में है जाति आधारित जनगणना ओबीसी का, जिसका संख्या इस देश में 52% है, 52% है, 31 के बाद में इस देश में गिनती उसकी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ओबीसी का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान उसकी जनगणना ना होने की वजह से हो रही है। अभी भारत सरकार ने अभी चीतों का गिनती किया, यानी शेर का गिनती किया, जो इंसान को मार के खाने वाले जो जानवर है उसकी गिनती किया केंद्र सरकार ने, मगर जो ओबीसी के जो इंसान लोग उसकी गिनती नहीं कर रही है। तो ये गिनती करे इसके लिए हम लोग ये मुद्दा हमने रखा है, और इस पर हम लोग आने वाला समय में अक्टूबर के बाद समाप्त हम लोग 23 में भारत बंद भी करेंगे इस मुद्दे पर हम। मेरा नाम आर.एल. अम्बेडकर, भारत मुक्ति मोर्चा राज्य प्रभारी पश्चिम बंगाल।